एक तीन सीटें और तीन बड़े चेहरे इन दिग्गजों की सीट पर उम्मीदवार को लेकर आखिर मोमेंट तक सस्पेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टी। मैं शिवानी आपके साथ। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है। इस चरण की सीटों के लिए अंतिम चरण की तारीख 3 मई को तय की गई है। इन तीन सीटों पर ऐसे हैं जहां पर सत्ताधारी पार्टी, विपक्षी गठबंधन या फिर दोनों ने अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ये तीनों सीटें हाई प्रोफाइल की हैं और ऐसे में इस चुनाव से पहले शायद ही कोई मौका आया हो जब उम्मीदवार को लेकर इतनी असमंजस की स्थिति देखी गई हो। ये सीटें हैं रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज। बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। वहीं नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों की सियासत में एंट्री के लिए लॉन्चिंग पैड की पहचान रखने वाले अमेठी से राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद चुने गए। वर्ष 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। बीजेपी ने इस बार भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं स्मृति ईरानी ने 29 अप्रैल को नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन कांग्रेस अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर सकी है। अमेठी सीट से चर्चा में रहे राहुल गांधी का नाम है तो साथ ही बात इसे लेकर हो रही है कि पार्टी यहाँ से किसी लोकल चेहरे को उतार सकती है। बता दें कि अमेठी से उम्मीदवार पर सस्पेंस के बीच टिकट पर फैसले के लिए सीईसी ने कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। बता दें कि सोनिया गांधी ने सांसद प्रतिनिधित्व रहे केएल शर्मा भी नामांकन की तैयारी के लिए अमेठी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर सबकी नजर टिकी हुई है। कांग्रेस स्मृति के सामने राहुल गांधी को ही उतारती या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी, ये देखना होगा। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख करीब आ चुकी है, लेकिन गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस यूपी की जो एक सीट जीत सकी चुकी है वह रायबरेली सीट ही है। इस सीट से सोनिया गांधी सांसद पहुंची थी। सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, वह राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर किसी नए चेहरे का चुनाव मैदान में उतरना तय है। कांग्रेस के टिकट पर सस्पेंस के बीच बीजेपी भी वोट एंड वॉच के मोड पर नजर आ रही है। बीजेपी यूपी की 80 में से 75 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें से 73 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। पार्टी ने सूबे की 2 सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले और इन दोनों सीटों में रायबरेली के साथ दूसरा कैसरगंज। कैसरगंज लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद होते रहे हैं। वर्ष 2019 का चुनाव सपा के टिकट पर जीतने वाले ब्रजभूषण 2014 और 2019 में बीजेपी से जीते थे। चर्चा है कि पार्टी इस बार ब्रजभूषण का टिकट काट कर उनके परिवार के किसी एक सदस्य पर दांव लगा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की ओर से इस सीट पर सपा को उम्मीदवार उतारना है। विपक्षी सपा भी टिकट का ऐलान करने से पहले बीजेपी उम्मीदवार के नाम का इंतजार कर रही है। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी अगर किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देती है तो हम राजपूत उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी से राजपूत उम्मीदवार उतारने की स्थिति में सपा ब्राह्मण और ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है। फिलहाल देवी पाटन मंडल की कैसरगंज सीट से एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया जा सका है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव।